अगर आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, अगर आप आध्यात्मिकता के पाथ के ऊपर है, उसके मार्ग के ऊपर है, और आप मेडिटेशन करते हैं, साधना करते हैं, आप मोक्ष के मार्ग पर आप चलना चाहते हैं, आप सेल्फ रियलाइजेशन, आप कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, आप चाहे इसे कोई भी नाम दे दो, अगर आप आध्यात्मिकता किसी भी तरह से फॉलो करते हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत आवश्यक है। स्पिरिचुअल फूड, स्पिरिचुअलिटी के पाथ के ऊपर है तो किस तरह का खाना आपको खाना चाहिए। हाय, मैं हूँ प्रीति और इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ कुछ शेयर करने वाली हूँ, कैसा फूड, कैसा भोजन आपके लिए बिल्कुल उत्तम है। क्यों यहाँ पर ये वीडियो शेयर किया जा रहा है? बिकॉज मैं काफ़ी सालों से मैं कुंडलिनी और चक्र के बारे में सिखा रही हूँ, मेडिटेशंस के बारे में सिखा रही हूँ, मेरे वीडियोस होते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अलग अलग तरह के, काफ़ी ज़्यादा अजीब तरह के कॉमेंट्स मुझे मिलते हैं। कुछ लोग मतलब जो भी भोजन है उसे बिल्कुल ही त्यजित मानते हैं, बिल्कुल व्यर्थ मानते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तुच्छ मानते हैं, या तुच्छ इज द करेक्ट वर्ड, बहुत ही तुच्छ मानते हैं कि खाना तो खाना तो मोह माया है, जितना बने इतना कम खाओ, बिल्कुल नहीं खाओ तो अच्छा है। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड होता है जब स्पिरिचुअलिटी में लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए कुछ बातें क्लियर करना ज़रूरी है। अगर आप आध्यात्मिकता के मार्ग के ऊपर अच्छे से बढ़ना चाहते हैं तो कुछ लेवल का फूड है कि जो आपके लिए खाना आवश्यक है। अगर आप उस तरह का फूड खाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से, बहुत ही सुंदरता से आप अपने मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। कोशिश कीजिए आप इस पूरे के पूरे वीडियो को देखते हैं शुरुआत से लेकर अंत तक, ताकि आप इस पूरे वीडियो के सार को अच्छी तरह से समझ पाएं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। चलिए, तो सबसे पहला, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि बैलेंस्ड डाइट खाना है। अब बैलेंस्ड डाइट साइंस की किताबों में हमने पढ़ा है, स्कूल में हमने सीखा है, राइट, कि बैलेंस्ड डाइट सही तरह का डाइट होता है कि जो हमें खाना चाहिए। अब आप कहेंगे, अरे यार, स्पिरिचुअलिटी में भी बैलेंस्ड डाइट? सी, यस, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। बैलेंस्ड डाइट के मतलब कि जहाँ पर आप हर तरह का न्यूट्रिशन, हर तरह के जो पोषक तत्व है अपने खाने में आप इंक्लूड करते हैं, वो हो गया बैलेंस्ड डाइट। आप कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, प्रोटीन्स खाते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, सब कुछ आपके खाने में आना चाहिए। जब सब कुछ आता है तो उसे बैलेंस्ड डाइट कहा जाता है। अब आप चुनिए, कार्बोहाइड्रेट्स में आपको कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स खाने हैं, प्रोटीन्स में आपको कौन कौन से प्रोटीन्स खाने हैं, ठीक है, विटामिन्स भी बहुत सारे होते हैं, विटामिन्स भी सारे के सारे होने चाहिए, ए बी ई डी ई के, या सारे होने चाहिए। अब कहाँ से आप कौन सा विटामिन लेते हैं वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो बैलेंस्ड डाइट आपके शरीर में जाना चाहिए, आप कहेंगे, लेकिन क्यों? सी, आपका जो शरीर है उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है कि जो है कि आपके बैलेंस्ड डाइट खाने से वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स बनते हैं। आध्यात्मिकता भले ऐसी है कि जहाँ पर आप कहेंगे, लेकिन आध्यात्मिकता तो भौतिक शरीर से परे है, तो हमें क्यों बैलेंस डाइट खाना है? सी, आध्यात्मिकता भले आपके भौतिक शरीर से परे है, आपका जो सोल है आपके भौतिक शरीर के साथ कनेक्टेड है, और इसीलिए आपके भौतिक शरीर को आपको अच्छे से नरिश करना पड़ेगा, अच्छा बैलेंस डाइट खिलाना पड़ेगा, तभी चलकर आपके सोल का अच्छे से आप प्रोग्रेस कर। दूसरा है, खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, खाना बहुत ज़्यादा मतलब हम कहते हैं ना कि फीका नहीं होना चाहिए। अब आप कहेंगे, ये क्या बात हो गई, अब जो आध्यात्मिक मार्ग पर होते हैं उनको तो उनका तो खाना जितना हो सके मोह माया से रहित होना चाहिए, राइट, फीका होना चाहिए, स्वाद रहित होना चाहिए, बिकॉज आप तो मोह माया से परे होना चाहते हैं, तो स्वाद की माया क्यों लेनी है? सी, इसमें बहुत अच्छा आपको उत्तर क्या दे सकता है कि एट फोल्ड पाथ, योगा का जो एट फोल्ड पाथ है उसमें बताया गया है, खाना बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बहुत अतिशय कड़वा, खट्टा, तीखा, ये भी स्वाद ज़्यादा अधिक नहीं होने चाहिए, मतलब बीच में होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अब आप कहेंगे, अच्छा चलो, हमने बहुत ज़्यादा कड़वा तीखा तो नहीं खाया, ठीक है, हमने बैलेंस, हम मतलब फीका खाने में क्या प्रॉब्लम है? सी, फीका खाना अगर आप खाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके माइंड में एक बात है कि भाई खाना इससे भी टेस्टी हो सकता है, बट मैं त्याग कर रही हूँ और इसीलिए मुझे ऐसा खाना खाना पड़ रहा है, राइट?
आपके जहन में है, आप जब बचपन से लेकर आपने अब तक बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना खाया है, आपके माइंड को तो पता है, आपके बॉडी को भी पता है, तो आपके बॉडी को पता होने के बावजूद आप उस चीज़ से अपने बॉडी को वंचित कर रहे हो, आप अपने बॉडी को वो चीज़ नहीं दे रहे हो। जब आप अपने बॉडी को वो चीज़ नहीं देते हो तो आपके माइंड को पता चलता है, आपके माइंड को पता है कि कुछ इससे भी ज़्यादा टेस्टी चीज़ हुआ करती है। ऐसी आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, दूसरा जो चक्र है, उसमें जितना आप मतलब स्वाद वाली चीज़ें खाते हैं, बहुत ही खूबसूरत 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 जगह पर घूमते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदते हैं, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र बैलेंस होता है ये सब करने से। और इसीलिए जो जो जंगल में जो योगी रहते हैं वो लोग सादा खाना खाते हैं, बिकॉज़ वो फिर अपने चक्र को बैलेंस करने के लिए और सारी चीज़ें करते हैं, जैसे कि ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, राइट। मैंने जैसे कहा स्वादिष्ठान चक्र इम्बैलेंस हो सकता है अगर आप फीका खाना खाएंगे तो, अगर आप लाइफ में ज़रा भी एंजॉय नहीं करेंगे तो, अगर ये सारी चीज़ों से आप मोह माया उठाना चाहते हैं तो स्वादिष्ठान चक्र आपका ब्लॉक हो जाएगा, अगर एकदम से ये सारी चीज़ें छोड़ दी तो। और स्वादिष्ठान चक्र ब्लॉक हो गया तो आध्यात्मिक जर्नी में आगे कैसे बढ़ोगे, दूसरे चक्रों में ऊपर आगे कैसे बढ़ोगे, ठीक है। तो सब कुछ बैलेंस में खाना बहुत ज़रूरी है। अब खाना आप कितना खाएंगे, राइट। अब सी मेरे मैंने ये मेडिटेशन के प्रोग्राम, कुंडलिनी के प्रोग्राम, चक्र के प्रोग्राम काफ़ी समय से मैं कर रही हूँ, और जब मुझे अलग अलग तरह के कमेंट्स, अलग अलग तरह की बातें मुझे सुनने को मिली, जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनाना ज़रूरी लगा। कुछ लोग कहते हैं अच्छा मैडम हम तो अब बहुत ही थोड़ा सा खाना खाते हैं, 2 चम्मच जितना तो हम लंच लेते हैं। एंड आई वॉज सीरियसली शॉक्ड, मतलब एक पूरा का पूरा अडल्ट व्यक्ति मुझे कह रहा है कि हम सिर्फ 2 चम्मच खाना खाते हैं। भाई कहाँ जाने वाले हो 2 चम्मच खाना खा के, राइट। सी जितना हो सके इस दुनिया में नॉर्मली रहना है, राइट। अगर आप फुल्ली ग्रोन अडल्ट है, 18 साल से ऊपर है, तो आपको खाना अच्छी तरह से खाना पड़ेगा, राइट। एक निर्धारित लेवल की कैलोरीज होती है कि जो आपको दिन में लेनी पड़ती है। अगर आप 18 साल से नीचे है तो भी एक निर्धारित लेवल की कैलोरीज होती है कि जो आपको खानी पड़ेंगी, ठीक है। आपकी उम्र के हिसाब से, आपके आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी हाइट के हिसाब से कुछ लेवल का खाना है कि जो आपको खाना पड़ेगा, कि जो बैलेंस्ड डाइट में गिना जाता है, बिकॉज हर एक व्यक्ति को कुछ लेवल की कैलोरीज होती है कि जो लेनी ही पड़ती है। तो इसीलिए ज़्यादा भूखा रहने से आप कोई मतलब जल्दी मोक्ष नहीं हासिल कर देंगे, राइट। बॉडी को जितना हेल्दी रखेंगे, बॉडी को जितना तंदुरुस्त रखेंगे, नरिश्ड रखेंगे, उतना आपके लिए आपका आध्यात्मिक मार्ग सरल होते जाएगा। तो खाना बहुत ज़्यादा भी नहीं खाना है कि जितना शरीर में इतना ज़्यादा हैवी लगने लग जाए कि आपका ध्यान ही नहीं लगे। बहुत ज़्यादा खाना भी नहीं खाना है, बहुत कम खाना भी नहीं खाना है। अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है। एक बार मैंने कहीं पर बोल दिया था कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, किसी ने आकर मुझे कमेंट में बताया मैडम आपने बताया था ना फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, मैं तो सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाऊँ, हम तो सिर्फ वही खाते। अरे भाई मैंने कब बोला कि सिर्फ वही खाओ, मैंने इस वीडियो के शुरुआत में ही कहा कि बैलेंस्ड डाइट खाना है, हर एक पोषक तत्व बराबर मात्रा में शरीर में जाना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में कुछ ही पोषक तत्व होते हैं, बाकी के पोषक तत्व आपको अनाज में से भी लेने पड़ेंगे, पल्सेस जो होते हैं उसमें से भी लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक ही चीज़ के ऊपर पूरा मतलब फोकस नहीं करना है, फ्रूट्स खाना है, वेजिटेबल्स खाना है। फ्रूट्स खाने के लिए क्यों बोल रही हूँ, फ्रूट इज़ द कम्प्लीट फूड, जो कुदरत जो उगाती है तो उसमें फ्रूट एक कम्प्लीट फूड है। तो आप जितना आपके लिए बैलेंस डाइट खाना ज़रूरी है वो सब खाइए, बट फ्रूट आपको दिन में ज़रूर खाना है, कम से कम एक फ्रूट खाना है। क्यों? क्योंकि फ्रूट खाने से आपके मन को संतुष्टि मिलती है, कंप्लीट फूड खाया है ऐसी संतुष्टि मिलती है, इसीलिए फ्रूट खाना ज़रूरी है। अब अगर आप मेडिटेशन करना चाहते हैं, अगर आप कहीं पर मेडिटेशन के प्रोग्राम में जाना चाहते हैं या फिर किसी ऑनलाइन मेडिटेशन प्रोग्राम करना चाहते हैं, उस समय पर अल्कोहलिक बेवरेजेस नहीं लेनी चाहिए। काफ़ी लोग कहते हैं कि अल्कोहल अगर लिमिटेड क्वांटिटी में लिया जाए तो हेल्थ के लिए अच्छा है। जी हाँ अच्छा है, बट जब आप मेडिटेशन करने वाले हैं उस समय पर आपको नहीं लेना है। लेट्स से आप 7 डेज का कोई रिट्रीट कर रहे हैं तो हर वो सातों के सातों दिन कोशिश करो कि आप अल्कोहल अवॉइड करो। क्यों अवॉइड करना है? बिकॉज आध्यात्मिक मार्ग पर एनर्जीज
ऊपर की तरफ फोकस होती है जब आप मेडिटेशन करते हैं तब, और अल्कोहल की जो एनर्जीज होती है वो आपको नीचे की तरफ लेकर जाएगी। तो ग्राउंडिंग के लिए अल्कोहल अच्छा है। यस, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लिया था टोटली ग्राउंडिंग तोड़ सकता है, ठीक है। तो आई यू नो हर एक अल्कोहलिक बेवरेज होती है उसका एक क्वांटिटी होता है कि उससे ज़्यादा क्वांटिटी में, उससे ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वो जो होता है यू नो, अगर ज़्यादा कुछ लेवल अगर थोड़ा सा आपने लिया तो आपके लिए ग्राउंडिंग करने के लिए बहुत अच्छा होता है, बट नॉट ड्यूरिंग योर मेडिटेशन टाइम, नॉट ड्यूरिंग योर रिट्रीट टाइम। अगर किसी शिविर में जा रहे हैं तो कोशिश करो कि वो सभी दिनों के लिए आप यू नो अल्कोहल को त्याग दें। फिर खाना कैसा होना चाहिए? स्वच्छता में प्रिपेयर किया गया खाना, साफ सुथरे माहौल में प्रिपेयर किया गया खाना, हाइजीनिक तरह से प्रिपेयर किया गया खाना, वो खाना है, और ताज़ा खाना खाना है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं कि उनको लगता है कि खाना तो मोह माया है, राइट, भूख लगना ये तो मोह माया है, इस संसार की मोह माया है, तो आप कुछ भी अनशंट खा लो, मतलब आध्यात्मिक मार्ग के ऊपर प्रोग्रेस करने के लिए खाने के ऊपर फोकस नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपका शरीर जो है, योर बॉडी इज़ द टेम्पल फॉर योर सोल, आपका जो शरीर है आपकी आत्मा के लिए मंदिर के समान है, तो इसीलिए कुछ भी बिना सोचे समझे शरीर में डंप नहीं करना है, ठीक है। शरीर में स्वच्छ तरह से प्रिपेयर किया गया खाना आपको खाना है, बैलेंस डाइट खाना है। उपवास करना कितना अच्छा है कितना गलत है? उपवास करना अच्छा होता है, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि उपवास करना अच्छा है, बट मैंने देखा है कि इंडिया में यू नो उपवास का कुछ बहुत ही ज़्यादा दुरुपयोग किया जाता है। लोग यू नो वज़न घटाने के लिए उपवास करते हैं, फिर लोगों को लगता है कि अगर उपवास किया है तो दूसरे दिन अच्छे से खाना नहीं खाते हैं, मतलब खाना खाने के लिए थोड़े ना उपवास किया, मतलब कुछ बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट भी देते हैं। सी आप यस, उपवास करने से यू नो आपकी जो नाभि चक्र के पास की जो सारी एनर्जी है वो सारी राइज अप होती है, और यहाँ पर सहस्रार चक्र के ऊपर फोकस होती है। सहस्रार चक्र है कि जहाँ पर आपका गॉड के साथ कनेक्शन होता है, तो जब आप एक दिन अपने पेट को छुट्टी देते हैं खाना खाने से, तो वहाँ की जो सारी एनर्जीज है, मेटाबॉलिक एनर्जीज है, वो यहाँ पर आएगी और आपको गॉड के साथ कनेक्शन करने में ज़्यादा मदद करेगी। तो जिस दिन उपवास करते हैं उस दिन भजन कीर्तन ज़्यादा कीजिए, उस दिन मेडिटेशन ज़्यादा कीजिए, साधना ज्यादा कीजिए, तो आपको आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत अच्छे से प्रोग्रेस मिलेगा। एट द सेम टाइम उपवास ही करते रहना, मतलब किसी कुछ लोगों को मैंने देखा है हर दूसरे दिन उपवास होता है, हर तीसरे दिन उपवास, और उपवास खत्म हो जाने के बाद हम लोग उसको पूछते हैं, राइट, चलो भाई खाना खाया अच्छे से? अरे नहीं, उसमें क्या है, खाना खाने के लिए थोड़े ना उपवास किया था, अभी तो उपवास टूटा है, कुछ खाएंगे बाद में शांति से। भाई सी, कुछ लोग अपनी सेहत को इस तरह से ख़राब करते हैं, आपका शरीर यू नो बना है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स से, तो बहुत ही अधिक समय के लिए आपके शरीर को उपवास भी नहीं देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, अच्छे से खाना खाइए, जब उपवास करते हैं तो अच्छे से उपवास कर लीजिए, हर 15 दिन में एक बार उपवास रखो, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, बट हर 2 दिन के बाद उपवास, हर 2 दिन के बाद। अब कुछ कुछ लोग यू नो कुछ आप में से कुछ लोग कहेंगे श्रावण महीने में जो उपवास है उसका क्या, यू नो कुछ लोग पूरा श्रावण का महीना करते हैं, कुछ लोग नवरात्रि के 9 दिन करते हैं, तो भाई उस दिन में यू नो जब उपवास करते हैं तो कुछ अच्छा हेल्दी कुछ अपने लिए खाओ, फ्रूट के जूसेस पियो, ठीक है। तो अपने आप के लिए कुछ अच्छा बंदोबस्त करके रखो, ऐसे नहीं कि उपवास है तो टोटली भूखा ही रहना है। मैंने देखा है कुछ लोग टोटली भूखे रहते हैं बट फिर दिन में कुछ करते नहीं है, मतलब उपवास किया बस बहुत है, गॉड के साथ कनेक्शन करने के लिए कुछ नहीं करते, देन व्हाट्स द पॉइंट? उपवास इसलिए करते हो ताकि गॉड के साथ कनेक्शन करने का समय मिले। पूरा दिन में तीन बार चार बार खाना खाते हैं तब समय थोड़ा कम मिलता है, खाना बनाने में समय जाता है, खाना खाने में समय जाता है, तो वो सारा समय आपका बच गया कि जब आप उपवास कर रहे हैं तो समय का करना क्या है भाई, गॉड के साथ कनेक्शन करने में लगाओ, प्रेयर करो, मेडिटेशन करो, और बॉडी को अच्छे से हाइड्रेटेड रखना है, पानी और यू नो जितने भी लिक्विड्स है अच्छे से लेना है, पानी पीना है, जूसेस पीने हैं, तो ये करने से आपके शरीर में यू नो आपका जो शरीर है 70% से भी ज़्यादा आपके शरीर में पानी है, तो जितना पानी आप पीते रहते हैं, जितनी लिक्विड्स आप पीते रहते हैं, उतना आपके शरीर में एनर्जी सर्क्यूलेटेड होती रहेगी, ठीक है। तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको
अच्छा लगा, ज़रूर इसे फॉलो कीजिए, आपके आध्यात्मिक मार्ग पर आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ कि जो ठीक से खाना नहीं खाते, आध्यात्मिक मार्ग पर है, उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइए ये पूरे वीडियो में से कौन सी बात है कि जो आपको आई ओपनिंग लगी। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।